आजकल मैं जब भी फेसबुक खोलती हूँ तो चांस के साथ मेरे सामने वही पोस्ट आ जाती है जो लोगों ने बेटे और बेटियों को लेकर पोस्ट की होती है, जिनमें अक्सर लड़कियों को सुपीरियर और केयरिंग बताया गया है और लड़कों को इनफीरियर, केयरलेस, लालची और न जाने क्या क्या। जितनी भी अच्छाइयां है सब लड़कियों में होती है और जितनी भी बुराइयां सब लड़कों में। मुझे पढ़कर बहुत अजीब सा लगता है कि लड़कों को लेकर दुनिया इतनी बायस क्यों है। हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, पर उन 100 भाग्यों में से जब एक भाग्य अच्छा होता है तब उनके घर पर लड़के का जन्म होता है, और जब 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उनके घर पर लड़की का जन्म होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लड़का तो भाग्य से होता है लेकिन लड़की सौभाग्य से। पराया धन होकर भी पराई नहीं होती, शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। बेटे बाप की जमीन बांटते हैं और बेटियां बाप का दुख। मैं भी किसी की बेटी और बहन हूँ। जहां तक बेटियों को समाज में ऊंचा दर्जा दिलाने की बात है, उन्हें रिस्पेक्टफुल नजरों से देखने की बात है, वहां तक तो मैं भी एग्री करती हूँ कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। मैं भी किसी की बेटी और बहन हूँ। मेरे घर में भी बेटियां और बेटे हैं, दोनों की आपस में तुलना करना बनता ही नहीं। दो बच्चों की आपस में तुलना करना नहीं बनता और हम बेटे और बेटियों को लेकर तुलना करते हैं। उनकी नेचर को लेकर दोनों में जो डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस तो भगवान का दिया हुआ है। लड़कों को ऊपर वाले ने फिजिकली और मेंटली इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग बनाया है देन टू गर्ल्स। इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर दिल हैं, और लड़कियों को नाजुक, कोमल और थोड़ा सा इमोशनली वीक रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ उन दोनों की नेचर में भी कोई खास डिफरेंस रह नहीं गया। अब तो लड़कियों को भी उतना ही एक्सपोजर मिल रहा है जितना लड़कों को। दोनों ही अब तो इक्वली स्ट्रांग है। उन्हें सिचुएशंस को टैकल करने के लिए माँ बाप का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो खुद ब खुद ही स्मार्टली सब सिचुएशंस को टैकल कर लेते हैं। और ये और भी बढ़िया बात है कि अब लड़कियों को भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। जहाँ तक फैमिली में दोनों का दर्जा है, वह ऐसा क्यों समझा जाता है कि बॉयज पेरेंट्स की परवाह नहीं करते जबकि लड़कियां बहुत करती हैं। पेरेंट्स को दुखी देखकर बॉयज के दिल में पीड़ा नहीं उठती बल्कि ये माना जाता है कि वो पेरेंट्स को पीड़ित करते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है कि लड़कियां सुखों का घर है और लड़के दुख देने वाले बेटे। ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों में नेगेटिव इमोशंस नहीं होती, हर बार ऐसा ही क्यों कहा जाता है कि लड़के जिद्दी होते हैं, गुस्सीले होते हैं। मैंने लड़कियों का जिद्दीपन और गुस्सा भी देखा। ये तो हर इंसान की नेचर में है, किसी में कम किसी में अधिक। जब हम पेरेंट्स ही बच्चों के सामने ऐसी तुलना करेंगे तो उन पर क्या असर होता होगा शायद हमने कभी सोचा ही। जब हम अपनी ही बेटी के सामने बेटे को बोलेंगे कि तूने कौन सा हमें बड़ा होके सुख देना है, तूने कौन सा हमारा हाल पूछ लेना है, ऐसा कहकर एक तो हम अपने बेटे को पक्का कर रहे हैं कि सारे बेटे ऐसे ही करते हैं, इसीलिए तो आप ऐसा बोल रहे हो। बेटा भी सोचता है ठीक है, अगर मैंने भी ऐसा ही करना है तो कौन सी नई बात करूंगा। दूसरा, बेटी के दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि तेरा भाई तंग ही करेगा, ये किसी की परवाह नहीं करेगा। कहीं ना कहीं बहन के अंदर भी भाई के बारे में ऐसी फीलिंग आने लगेगी जिनके कारण धीरे धीरे उनमें भी डिफरेंसेस बढ़ने लगेंगे। कुछ पोस्ट मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने लगी हूँ जिन्हें पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ और जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। मेरा बेटा तब तक मेरा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। मेरी बेटी तब तक मेरी है जब तक मेरी सांस नहीं रुक जाती। मेरा बेटा तब तक मेरा है जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती। मेरी बेटी तब तक मेरी है जब तक मेरी सांस नहीं रुक जाती। ऐसी भावनाओं से आप बेटे को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या कन्वे करना चाहते हो कि तू शादी के बाद हमारा नहीं रहेगा, पराया हो जाएगा? जिसने घर में रहना है उसे पराया कर रहे हो, और जिसे ये घर छोड़ के दूसरे घर में जाना है उसे कह रहे हो कि वो आपकी रहेगी। अब तो बात ही अलग है, बेटा हो या बेटी, अपने अपने काम के कारण अब तो दोनों को ही घर छोड़ के जाना पड़ता है। मन में हमेशा यही क्यों आता है कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं? उसे दोष क्यों देते हैं कि शादी के बाद, बीवी के आने के बाद वो आपको पहले जितना टाइम क्यों नहीं दे पाता? उसकी बीवी भी तो किसी की बेटी और बहन है जो अपना घर छोड़ के आपके घर आई है, जिसके साथ उसने अपना पूरा जीवन बिताना है।
आपके साथ आपके बेटे का जितना समय बीतता था उसमें कुछ शेयर तो उसकी वाइफ को जाएगा ना। ऐसा क्यों समझा जाता है कि बहू के आने के बाद बेटा अपना नहीं रहता? तब हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारी बहू किसी की बेटी और बहन है? जब हमारा बेटा बीवी से सलाह कर कोई कदम उठाता है तो तब हम कहते हैं कि ये तो बीवी को बड़ी इम्पोर्टेंस देने लगा है, इसे तो ससुराल का बहुत फिक्र होने लगा है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि बेटे को इसलिए कोसा जाता है कि वो बीवी की बात भी सुनता है। चाहे बेटा कोई डिसीजन अपने लेवल पे भी ले, तब भी यही कहा जाता है कि बीवी के कहने पे किया होगा, और अगर दामाद ऐसा करे तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते कि वो तो हमारी बेटी से पूछे बिना एक कदम नहीं चलता। वाओ, व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ मुझे एक जोक याद आ गया, आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक परिवार ने अपने बेटे और बेटी की शादी एक ही समय कर दी। एक तरफ बेटी को विदा किया गया और दूसरी तरफ बहू को लाया गया। 3-4 महीने बीतने के बाद जिसके बेटे और बेटी की शादी हुई थी उसकी एक फ्रेंड उसके घर आई। उसने पूछा, सुना ससुराल में बेटी खुश है ना? तो वो कहने लगी, हाँ वो तो बहुत ही खुश है, उसकी तो किस्मत खुल गई, दामाद तो एकदम हीरा मिला है, हीरा, उसे पूछे बिना तो एक कदम नहीं चलता। सुबह उठते उसे चाय देता है और फिर बेड के नीचे जमीन पर पैर रखने देता है। वीक में एक दिन तो खाना खाने रेस्टोरेंट ले जाता ही है और 8-10 दिन के बाद उसे कुछ ना कुछ सूट साड़ी लेकर ही देता है। मैं तो बहुत खुश हूँ, भगवान ने मेरी सुनी। उसकी फ्रेंड कहती है, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब बता तेरे बेटे का क्या हाल है, वो तो खुश है ना, तेरी बहू कैसी है? तो वो कहती है, उसके बारे में क्या कहूँ, उसने तो हमारा बेटा ही हमसे छीन लिया है, उसके पास हमारे लिए टाइम ही कहाँ है, बीवी से पूछे बिना एक कदम नहीं चलता, सुबह महारानी को चाय बना के देता है फिर वो जाके कहीं कदम जमीन पे रखती है, हर हफ्ते उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है और हर 8-10 दिन के बाद उसे एक ना एक सूट साड़ी लेके ही देता है। बहू ने तो उसे अपनी उंगलियों पे नचा रखा है। बस यही सोच ही तो बदलनी है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि अगर बेटियां घर पे रहती और बेटे पराए घर जाते तो फिर यही शिकायत हमें अपनी बेटियों से होती जो आज हमें अपने बेटों से। बात तो फिर वही हुई ना, जो बेटा हमारे साथ रहता है, हमारे सुख दुख बांटता है, उसी को गलत साबित करने में हम लगे रहते हैं। एक छत के नीचे रहकर किसी ना किसी बात को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो हो ही सकता है। बेटी क्योंकि दूसरे घर में चली जाती है इसलिए उसकी अट्रैक्शन और बढ़ जाती है। वो कभी कभार आई और चली गई, ना उससे कोई मन मुटाव हुआ ना कोई ऊंची नीची बात। एक ये भी रीजन है कि बेटियां और अच्छी लगने लगती है। और तो और, बेटे और बहू के साथ हुआ छोटा मोटा मन मुटाव अपनी बेटी के साथ शेयर करके उसे भाई और भाभी के बारे में भी बायस कर देते हैं, जिसके कारण उन दोनों में भी दूरियां बढ़ने लगती हैं। अपनी बेटी तो अपनी है ही, जब किसी दूसरे की बेटी आपके घर बहू बनकर आती है तो तब उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर पाती? अपनी बेटी की बातों पर तो हम 100 पर्दे डालते हैं, लेकिन अपनी बहू की कई छोटी सी बात को हम दुनिया के सामने खूब बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। अगर उसकी कही बात हमें बुरी लगती है तो तब हम क्यों नहीं उसे अपनी बेटी समझकर प्यार से समझा बुझा लेते? अक्सर बेटे माँ बाप और बीवी के बीच सैंडविच बनकर रह जाते हैं। हाँ, यहाँ मैं बेटों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखें। माँ बाप को माँ बाप का दर्जा मिलना चाहिए और बीवी को बीवी का। दोनों में से किसी एक को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, दोनों में से किसी एक को भी इग्नोर करके सुखी नहीं रहा जा सकता। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों का घर बसाने में उन्हें पूरा सपोर्ट करें। अगर उन्हें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो हंसी खुशी कर लें तो और भी बढ़िया। घर के एनवायरनमेंट का भी बच्चों पे बहुत असर होता है। एनवायरनमेंट बढ़िया है, पेरेंट्स में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चों के साथ फ्रेंडली है, तो बच्चे भी उनके साथ दिल की बात कर पाएंगे और उनके साथ प्यार से पेश आएंगे। और अगर घर का एनवायरनमेंट पीसफुल नहीं है, बच्चों को दबा कर रखा जाता है, तो तब फिर बेटे हो या बेटियां एक दिन रिवोल्ट कर ही जाएंगे, क्योंकि दुखी माहौल में कोई नहीं रहना चाहता। बेटे भी अक्सर बहुत बार इसलिए किनारा कर जाते हैं कि उन्हें घर का माहौल परेशान करता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी हम उन्हें आजाद नहीं होने देते, तब भी हम चाहते हैं कि वो हर डिसीजन हमारे से पूछ के लें, हमारे मुताबिक चले, हमें जो अच्छा लगता है वैसा करें। ऐसी बातें भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच दूरियों का कारण बन जाती है। बेटियां तो शादी करके अपने घर चली जाती है और बेटे भी फिर घर से निकलने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे में हम फिर बेटे को ही कोसते हैं कि इसे माँ बाप की परवाह नहीं। सच्चाई तो ये है कि पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। ऐसा अक्सर वो इसलिए करते हैं कि कहीं बच्चे कोई गलत स्टेप ना ले लें।
कोई उनका नुकसान ना हो जाए। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके अपने ड्रीम्स, अपनी लाइकिंग्स होती हैं जो पेरेंट्स समझ नहीं पाते। पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनकी भावनाओं की कदर करें, उन्हें थोड़ा सा आजाद छोड़ दें ताकि वो अपने खुद के डिसीजन ले सकें, और जहां उनके कदम डगमगाने लगे उन्हें गाइड करें, उन्हें हौसला दें। एक और पोस्ट जो बहुत ही डिस्गस्टिंग है, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां, नाम करे ना करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां, जब दर्द देते बेटे तब मरहम लगाती बेटियां, छोड़ जाते हैं जब बेटे तो काम आती हैं बेटियां, आशा रहती है बेटों से पर पूरन करती हैं बेटियां, हजारों फरमाइशों से भरे हैं बेटे पर समय की नजाकत समझती बेटियां। क्या इसे पढ़कर या सुनकर आपको ये नहीं लगता कि हम बेटों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, उन पे क्रुएलिटी का लेबल लगा रहे हैं, बेटों को बदनाम कर रहे हैं, लड़कियों के मन में लड़कों के प्रति नफरत भर रहे हैं? ऐसी पोस्ट बेटों पे क्या असर करती होगी अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बेटे और बेटियां दोनों ही समाज के इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, दोनों ही फैमिली को कंप्लीट करते हैं। अफसोसनाक बात तो ये है कि जब बेटी होती है तो हम बेटे की चाह करते हैं, तब हम बेटी की वैल्यू नहीं करते, और जब बेटे होते हैं तो बड़े लाड प्यार से उनको पालते तो जरूर हैं, लेकिन साथ साथ उनको कहते रहते हैं कि तूने कौन सा हमारे बुढ़ापे का सहारा बना, काम तो हमारी बेटी ही आएगी ना, क्या पता किसने काम आना है, क्यों ऐसा कहते हो। दुनिया में बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बेटे और बेटी दोनों को एक जैसी इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की तुलना को लेकर डाली गई पोस्ट पेरेंट्स और बच्चों के दिलो दिमाग में डर जरूर पैदा करती है, उन्हें भ्रमित जरूर करती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 ऐसी पोस्ट मत डालिए जो लोगों को भ्रमित करे, जो लोगों के मन में डर पैदा करे। अगर घर में दो बेटे हैं तो उनकी शादी होने पर बेटियों की कमी भी पूरी हो जाएगी, और अगर दो बेटियां हैं तो उनकी शादी होने पर भी बेटों की कमी पूरी हो जाएगी। हाँ, अगर हम समझे तो। यहाँ मैं बेटे और बेटियों से भी ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने सास ससुर को दिल से माँ बाप का दर्जा दे दोगे तो आपको खुशियां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च में जाके नहीं मांगनी पड़ेंगी, वो तो खुद ब खुद आपके घर चल के आएंगे। जिन घरों में ऑलरेडी ऐसा माहौल है उनके घर किसी भी पूजनीय स्थान से कम नहीं। So, आज के बाद बेटा बेटी एक समान, दोनों ही है घर की शान। ऑल द बेस्ट।